हेलो दोस्तों, नमस्कार। और सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगा कि काफ़ी महीनों से मैंने कोई वीडियो नहीं डाली, तो आज आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम के कारण थोड़ा वीडियो नहीं डाल पा रहा था, और अभी भी कुछ टाइम बाद कंटिन्यू डालूँगा। अभी जितना बन सका एक आपके लिए एक वीडियो ले आया हूँ। तो कुछ मेरे दोस्त लोगों ने और आप जैसे लोगों ने ही मुझे एक वीडियो शेयर करा था, आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे करें। डबल कलर में चेजर चलाने का पूछ रहे थे, आपको वीडियो में दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, आप लोग देखकर समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और आप लोग क्या बोलना चाह रहे थे। तो इस वीडियो के कंटेंट से मैंने आपको बता दिया कि आज का अपना प्रोजेक्ट कैसा रहेगा। तो चलिए, देर नहीं करते, हम शुरू करते हैं। और मैं ये लाइव शो पर ही करके आया हूँ, इसलिए आपको लाइव का ही वीडियो दिखाऊंगा। चल सो भाई लोग, हम आ गए हैं अपने लाइव कॉन्सेप्ट पर। और ये देखो, मैंने अपनी 20 शार्पियाँ पहले से ही पैचिंग करके रखी हैं, और ये मेरा पहले का ही प्रोग्राम था। तो मैं इसे आपको डायरेक्ट जल्दी जल्दी से बता देता हूँ कि ये मैंने एक शेप बना के रखा है, स्टेबल है। और इस शेप में अब हम उस इफ़ेक्ट को डालते हैं। तो इफ़ेक्ट को डालने के लिए हम जाएंगे शेप में। शेप में जाने के बाद प्लेबैक एंड शेप, इसमें जाने के बाद हम फिर जाएंगे कलर शेप में, जो डी से सिलेक्ट करेंगे। और इस टू कलर वाले चेजर को हम सर्च करेंगे, और ये लिस्ट में वेव वन के नाम से रहेगा। आप लोग थोड़ा चेक करेंगे, ये देखिए आप, ये डबल कलर में चेजर चल रहा है। इसको हम एडिट भी कर सकते हैं, इसका साइज, कलर, स्पीड, डिग्री एंगल, ये आपको सब लाइव दिखा रहा हूँ। ये साइज में जाके हम इसका कलर चेंज करते हैं, और मैं आपको इसका कलर चेंज करके दिखाता हूँ। देखिए सारे कलर आएंगे इसमें। और जो भी कलर आप एक डिसाइड कर ले, उसको डिसाइड करने के बाद, जैसे मैं ये रेड करूँगा। और रेड में फ्रेंड्स ऐसा है कि इसमें ब्लिंक तीसरा कलर नहीं आता, सिर्फ रेड और वाइट ही रहता है, क्योंकि ये फर्स्ट कलर है। अब मैं इसे सेव करूँगा। सेव करने के लिए हम इस क्यू का इस्तेमाल करेंगे, और इसे हम सेव करेंगे। सो फ्रेंड, कैसी लगी आपको वीडियो? और कुछ भी अगर इसमें डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो, मैंने ये नंबर भी दे रखा है मेरा, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करके दूंगा आपको। और वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो में।